हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका है, एम्बर फूड के बारे में। एम्बर का ऑलरेडी मैं एक रिव्यू दे दिया हूँ एक फूड के बारे में, वो था एम्बर का ग्रीन कलर का फूड, ए वाला फूड आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ ए वाला फूड भी मार्केट पे बहुत ही ज्यादा चलता है, इसका नाम है एस्ट्रा प्लस, एम्बर की तरफ से आता है। तो ए फूड के बारे में आप लोग को आज फूड रिव्यू और अनबॉक्सिंग दूंगा, अनबॉक्सिंग तो नहीं है, फूड रिव्यू और मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं खुद देखता हूँ मेरा मछली के ऊपर क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद जाके मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि भाई छोटा यूट्यूबर हूँ, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारा बड़ा यूट्यूबर है जहां पर फूड्स के बारे में प्रमोशन वगैरह होता है, आप लोग को बता देता है भाई ये फूड खिला दो, वो फूड खिला दो, आप लोग का मछली का रेड कलर आ जाएगा। बेसिकली ये फूड का मेन मकसद है, एक ग्रीन वाला होता है हेड के लिए और रेड वाला होता है रेड कलर के लिए। तो ग्रीन और रेड में डिफरेंस क्या है इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, बट जस्ट ओवरऑल मैं बता दिया हूँ, ग्रीन हेड के लिए है और रेड रेड कलर के लिए है। तो दोनों का नेम भी अलग है, मैक्स प्रो है और एस्ट्रा प्लस है, बट इसका रिजल्ट कैसा है आज इस वीडियो पे आप लोग को वो बताऊंगा। देखो भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ सभी फूड्स का जो भी होता है कि भाई देखो इस प्राइस पे अगर आप लोग देखोगे मार्केट पे बहुत ज्यादा फूड्स अवेलेबल है, बट जो जो फूड्स मार्केट पे अवेलेबल है उससे ज्यादा अच्छा है या नहीं ये तो मैं वीडियो पे आगे चल के बताऊंगा। बट अगर आप लोग को मेरे जो फ्लावर ऑन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो फ्लावर ऑन है, ये फ्लावर ऑन का जो रेड कलर है इसके तरह अगर रेड कलर बनाना चाहते हो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना के रखा, आई कट बटन पे लिंक दे दिया हूं, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। क्योंकि आप लोग को अगर एक्टिवली फास्ट रिजल्ट चाहिए, फिर से मेंशन कर रहा हूं, आप लोग को तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट आप लोग को मेरा जो फ्लावर ऑन है यहाँ पर मेरा फ्लावर ऑन की तरह एकदम इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो भाई वो वीडियो एक बार देख लो, वहां पर आप लोग को इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। तो भाई आज इस वीडियो पे इस फूड का रिव्यू और मेरा पर्सनल ओपिनियन, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज दोनों ही बताऊंगा। क्योंकि ऑलवेज मैं बताता हूँ कि भाई नेगेटिव चीज भी मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी फूड के ऊपर मछली का, अगर आप लोग पैसा वेस्ट हो जाएगा तो आप लोग का फूड खरीदने का जरूरत क्या है फिर। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी मैं इससे पहले वीडियो पे भी बताया था कि एम्बर ए फूड का नेम है, ये एम्बर ब्रांड का नेम नहीं है, ब्रांड नेम अलग होता है, ब्रांड का नेम पीछे लिखा हुआ है टायो बोल के, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है टायो बोल के, आप लोग अगर पता नहीं है टायो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, और ये टायो बोल के जो ब्रांड है ये मेड इन इंडिया तो लिखा है, बट ये टायो का मैं देखा हूँ बहुत सारा पहले चाइनीज फूड वगैरह मतलब होता था, मैं देखा हूँ पहले, आई डोंट नो अभी मेड इन इंडिया हो रहा है शायद, इंडिया पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, बट बहुत जन को पता है ए वाला फूड और ए वाला फूड स्पेसिफिकली एवर रेड, आप लोग को पता होगा अगर आप लोग फ्लावर ऑन लवर हो। तो जो भी हो, जो मुझे आके पूछ रहा था कि एम्बर फूड का क्वालिटी कैसा है, क्योंकि बहुत सारा सब्सक्राइबर मुझे पूछ रहा था, तो देखो भाई इसका जो कॉस्ट है लगभग 200 के आसपास, या डिलीवरी चार्ज लेके अगर ऑनलाइन खरीदने जाओगे 250, ऑफलाइन खरीदोगे तो 200 के आसपास, 180 टू 200 के आसपास आप लोग को मिल जाएगा। बट इसका जो क्वालिटी है अगर आप लोग कंपेयर करने बोलोगे कि भाई और किसी फूड के साथ मैं कंपेयर करूं, तो भाई इसको कंपेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसका क्वालिटी मुझे इतना खास नहीं लगा, उससे फार बेटर है ये वाला फूड, क्योंकि ये वाला फूड बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रख लिया हूं मेरे चैनल पे, अभी तक नहीं देखो तो जाके चेकआउट कर लेना, बट ए वाला फूड मुझे इतना खास नहीं लगा। इसके पीछे तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, प्रोटीन लिखा हुआ है, मॉइस्चर पैड, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, बट जो चीज इसमें लिखा हुआ है इसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है, दोनों पे दोनों ही सेम, मुझे समझ में नहीं आया सेम क्यों है। क्योंकि जैसे यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा फूड है, हम्पी हेड है, एवर रेड है, जो पीछे का स्पेसिफिकेशन होता है अलग होता है, हर एक फूड पे अलग होता है, क्योंकि कलर के लिए अलग चीज चाहिए, हेड के लिए अलग चीज चाहिए, बट यहाँ पर सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर मुझे अगर बोलोगे भाई रिजल्ट कैसा है इसका, तो भाई अगर आप लोग अपनों के मछली का रेड कलर के लिए ए वाला फूड खरीदने के लिए सोच रहे हो, तो भाई आप लोग दिमाग से बात निकाल दो, तो ए वाला फूड खरीद के आप लोग के मछली का रेड कलर नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है, फिर से मेंशन कर रहा हूँ आ भी जाता है, जैसे यहाँ पर मेरा मछली का रेड कलर आया है, इतना रेड कलर इससे नहीं आएगा। ऑलरेडी मैं वीडियो बना के रखा हूं कैसे मेरा मछली का इतना डार्क रेड कलर है, तो वीडियो जाके देखो आप लोग को पता चल जाएगा। बट ए फूड अगर आप लोग खरीदोगे तो आप लोग को हल्का रेडिश कलर का इफेक्ट आएगा, क्योंकि इसका प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी है, मैं नहीं बोलूंगा खराब क्वालिटी का फूड है, बट अगर कंपेयर करूं इसके साथ, इसका छोटा सा कंपेयर, तो इसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा लगा है मुझे एम्बर का इस फूड से, ये क्वालिटी ज्यादा फार बेटर है इस फूड से। तो इसके ऊपर अगर आप लोग सोच रहे हो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा भाई मत खरीदो, ये फूड ज्यादा अच्छा नहीं है, ये फूड खरीद के आप लोग का कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप लोग रेड कलर के लिए चाहते हो। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई इस फूड के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करूं मछली का रेड कलर के लिए, तो रुको भाई, मैं आप लोग को एक चीज कंफ्यूजन क्लियर आउट कर देता हूं। आप लोग का बजट अगर बहुत ही टाइट है
तो आप लोग खिला सकते हो, एटलीस्ट आप लोग का मछली रेट तो रहेगा। बट अगर डार्क रेट चाहिए तो जो वीडियो बना के रखा हूँ वो वीडियो जाके देख लो, फिर आप लोग को समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो इस फूड के बारे में पॉजिटिव चीज था, नेगेटिव चीज था, सब कुछ आप लोग को बता दिया हूँ। इसके बाद आप लोग खुद समझ जाओगे कि आप लोग को ये फूड लेना चाहिए या नहीं। इसके बाद भी अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पे कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल जरूर क्लिक करना। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टाटा।